हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग सागिर अहमद का बुक में नंबर सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग इस बुक में, इस नंबर सिस्टम में 30 क्वेश्चन तक बना चुके हैं। तो आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो प्लीज फ्रेंड्स, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करते ही एक बेल जो घंटी के निशान आएगा उसको दबाना मत भूलिएगा। इसलिए को वो दबाने का फायदा होता है कि न्यू वीडियो अगर हमने डाला YouTube पर तो आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है किसी संख्या के आधा करने पर उसकी 100 से कमी उतने ही है जितना उस संख्या का 100 से अधिक का आधा है। तो कह रहा है क्वेश्चन की वह संख्या क्या है। तो आइए देखिए 31 क्वेश्चन कह रहा था कि किसी संख्या के आधा, तो किसी संख्या के आधा, इसका मान लेते हैं कि संख्या एक के है तो उसका आधा कितना हुआ, के बटा टू। अब क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या के आधा करने पर उसकी जो उसकी का मतलब कौन सी है, जो संख्या माने उसकी 100 से कम होती है। पापा का भी तो क्वेश्चन कह रहा था कि उसकी 100 से कमी हो जाती है, उसकी कितना से कमी, 100 से कमी हो जाती है। तो यहाँ पे किसका स्केच कैसे कर देते हैं, 100 से कम हो गया ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जितनी उस संख्या से उस संख्या को क्या माने हैं, के क्या हो जाए, उस संख्या से 100 से अधिक का है। तो 100 से उस संख्या जो है क्या होता है, उस संख्या का 100 से अधिक, उस संख्या 100 से क्या है, अधिक। कह रहा है अधिक का कितना है, आधा है। तो अब बताइए कि अधिक का आधा है तो ये आधा हो गया। अब चलिए यहां से, अब दो इधर भागा कर रहा है तो दो को उधर लाएंगे तो गुना करेगा। तो यहां से कर दीजिए, पहला स्टेप आगे बढ़ा दीजिए कि 100 माइनस के बटा टू इंटू कितना, टू इक्वल टू कितना, 100 माइनस कितना, ये के माइनस 100। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए तो 100 गुना के इक्वल दो इक्वल टू कितना, 200 माइनस, और के बटा टू में के से दो से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दो कट जाएगा ना, यहाँ से दो कट जाएगा तो कितना बचा, के इक्वल टू के और माइनस कितना, 100। अब बताइए कि ये के को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा के, तो यहाँ से 2k हो गया। और ये 100 को इधर लाएंगे तो बराबर के इधर पट लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस जो था तो ये नहीं क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया, 300। इसको काटेंगे दो से तो कितना हो जाएगा, 150 इक्वल टू के। कह रहे कि वह संख्या कितनी थी, वह संख्या क्या माने थे, के माने थे तब, तो के की वैल्यू कितना आया, 150। देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, फोर्थ नंबर ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसको उतार सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तो उतना जितना कह रहा था ना, उतना जितना कहने का मतलब कि बराबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी संख्या को 16 से गुना किया जाता है तो गुणनफल दूसरी संख्या के क्या होता है, 80% हो जाता है। तो आगे कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। तो यहाँ से बताते हैं, देखिए ना, पहली और दूसरी संख्या अनुपात मतलब कहने का मतलब यहाँ से पहली संख्या को मान लेंगे, फर्स्ट संख्या, फर्स्ट जो संख्या होगा उसको क्या मान लेंगे, के मान लेंगे, और जो सेकेंड संख्या होगा उसको क्या मान लेंगे, वाई, ठीक है। फर्स्ट संख्या को के मान रहे हैं और सेकेंड संख्या को वाई मान रहे हैं। अब चलिए करें किसी संख्या का मतलब पहली संख्या में क्या कर रहा है, 16 से गुना कर रहा है, 16 गुना हो जाता है तो 16 के हो गया। आगे को रहा, कह रहा है कि दोनों संख्या तो गुणनफल जो होता है, इन दोनों का गुणनफल, पहली संख्या जो 16 हो रहा है इन दोनों का गुणनफल दूसरी संख्या का, और दूसरी संख्या क्या माने, दूसरी संख्या का 80%। तो 80% हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से काटेंगे तो कितना,
जीरो से जीरो कट जाएगा, दो से यहाँ से चार, दो से काटेंगे दो चौक आठ और दो से काटेंगे पाँच। यहाँ से बताइए ये कितना हो जाएगा, तो ये बताइए कि यहाँ से चार से काट दें, चार से काटेंगे तो कितना हो जाएगा चार चौक का सोलह, यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भागा में ना पाँच तो इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो चार पचे बीस के इजकल टू कितना, वाई के साथ क्या है कुछ भी नहीं है, तो वाई के साथ क्या है भाई, तो वहाँ वाई के साथ मानते हैं हम एक मानते हैं ठीक है, वाई के साथ एक छुपा हुआ है, तो के इजकल टू कितना वन और वाई इजकल टू कितना बीस ठीक है, के इजकल टू कितना वन और वाई इजकल टू बीस। अब क्वेश्चन कह रहा था कि के वैल्यू कितना आया वन आया, अब बताइए वाई का वैल्यू कितना आया बीस आया, तो क्वेश्चन कह रहा था कि इन दोनों का अनुपात, तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या अनुपात कितना, पहली संख्या आपका के है, के वैल्यू कितना है वन है, और सेकंड संख्या कितना है वाई, या वाई का वैल्यू कितना बीस, तो आपका पहली और दूसरी संख्या का अनुपात एक अनुपात बीस ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट, थर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन, तैतीस नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि किसी संख्या का 40% जब दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 40% जब दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या अपने मूल संख्या से 1.2 गुना बढ़ जाती है, तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात बताइए, फिर अनुपात ही पूछ रहा है, 40% जब दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो कह रहा है कि क्वेश्चन कि किसी संख्या के 40% पहली संख्या के कितना प्रतिशत 40% तथा 100 कह रहा है कि दूसरी संख्या में जोड़ दी जाए, तो दूसरी संख्या में जोड़ दिया गया ठीक है। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या अपने मूल्य से, यहां से क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है अपने मूल्य से, अपने मूल्य से क्या कर रहा है, अपने मूल्य से क्या कह रहा है कि 1.2 गुना हो जाता है, 1.2 गुना होता है इसमें दूसरी संख्या अपने मूल संख्या से क्या है 1.2 गुना हो जाता है, तो यहाँ से अब बताइए कह रहा है क्वेश्चन कि पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या है, पहली और दूसरी संख्या के बीच, तो देखिए यहाँ से काट दे इसको कितना हुआ, एक जीरो से एक जीरो काटा, दो से काटेंगे तो दो दूरी से दो पचे दस, तो यहाँ पे क्या हुआ टू वन पहली संख्या और बटा कितना फाइव इजकल टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ से पहले एक बार और लिखते हैं, प्लस सेकेंड संख्या इजकल टू 1.2 सेकेंड संख्या ठीक है, तो यहाँ से बताइए कि 2 1 बटा कितना 5 इजकल टू ये जाएगा सेकेंड वाला उधर घटेगा तो कितना होगा 0.22 ठीक है, ये 2 सेकेंड संख्या है, ये बटा में जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 पॉइंट हटेगा तो चल जाएगा, यहाँ से 5 से काटेंगे 5 दूनी का 10, ये 2 से काटेंगे 2 से कट गया, अब ये जाके उधर क्या करेगा एक के साथ गुना, इधर तो एक है ना एक जाके उधर सेकंड के साथ गुना करेगा, तो यहाँ से 2 1 इजकल टू 2, अब बताइए कि यहाँ पे 2 के साथ एक छुपा हुआ है ना, तो एक के वैल्यू कितना 1 और सेकेंड का वैल्यू कितना 2 के वैल्यू कितना 2 ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन कर रहा था कि पहली और दूसरी संख्या, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए, तो पहली कितना है एक है और दूसरी कितना है देखिए तो दो है, तो पहली और दूसरी का अनुपात कितना है एक अनुपात दो। चलिए आगे चलते हैं, इसको उतरा जाए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 11 से गुना किया जाता है तथा गुणनफल में 11 जोड़ दिया जाता है, यदि इस प्रकार प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए विभाजित है तो छोटी से छोटी आरंभिक संख्या कौन सी है, तो छोटी से छोटी इसी में संख्या चुनना है जो 11 से विभाजित हो जाए, तो यहाँ से आते हैं 34 नंबर कह रहा है कि ऑप्शन नंबर एक उठाइए, वन उठाते हैं, ऑप्शन नंबर वन में 12 है, क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को, तो संख्या मान लीजिए कितना है 12 है, अब कह रहे किसी संख्या को 11 से गुना किया जाता है तो 11 से गुना कर दिए, इसमें कितना से गुना कर दिए 11 से, अब कह रहे 11 से गुना करने पर करने किया जाता है तथा इस गुणनफल को कितना से
एक गुणनफल को गुना करने के बाद 11 जोड़ दिया जाता है फिर, तो इसको गुना करते हैं तो कितना है 132 आता है। फिर कह रहा है कि इस गुणनफल में 11 जोड़ दिया जाता है तो कितना प्राप्त होता है, यहाँ से 3 और 3 आएगा 4 और कितना 143। और कह रहा है कि 11 जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, तो यहाँ से 13 से देखे तो भाग लगा के 13 से कट जाता है ये, तो यहाँ से 13 से भाग दे रहा है तो 13 एकम 13, ठीक है यहाँ पे कितना बचा 13 और 13 एकम 13 देखिए कितना से 11 से भाग लग गया। इसका मतलब तो छोटी से छोटी संख्या, जब संख्या अगर 13 से भाग लग जाए तो आपका आंसर कौन सा, वही संख्या कौन सी थी 12। सेकेंड नंबर देखते हैं कि दूसरा में 13 से भाग लग रहा है, जब 13 से भाग लग रहा है तो जान जाए कि ओरिजिनल संख्या मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 12। अगला देखते हैं ऑप्शन 22 को संख्या को उठाते हैं, इसमें 11 से गुना करते हैं तो 11 11 दूनी 22 की 2 और 11 दूनी 22 और 2 24, इसमें कितना जोड़ना है भाई 11 जोड़ना है तो कितना 2 आए 3 और 4 आए कितना 5 और कितना 253। अब देखते हैं 13 से भाग लग रहा है, 13 एकम 13 और कितना बचा 1 और 2 12 बचा 3, क्या 13 के पहाड़ा में 123 है, नहीं ना, इसका मतलब कि ये नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा ताकि भाग नहीं लग रहा, तो ये संख्या मेरा गलत है ना, इसका मतलब कि सेकंड ऑप्शन गलत है, थर्ड भी ऑप्शन गलत होगा, फोर्थ भी गलत होगा, तो आंसर कौन सा 12 वो संख्या होगी। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 736 से पूर्णतः विभक्त हो वह संख्या होगी, 4 ऑप्शन दिया हुआ उसी में से एक संख्या होगी, तो आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे मानेंगे ये करेंगे 5 अंकों की बड़ी संख्या ऐसे ऐसे करेंगे, एक बात सुन लीजिए मेरा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या एक नियम आपको जब क्या नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे उसमें नियम बताए थे कि बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ नहीं सकते, याद कीजिएगा, नोट वन लिखिए, नोट वन बड़ी संख्या में जोड़ नहीं सकते, क्यों नहीं जोड़ सकते, ये बात को गौर किए, कह रहे कि बड़ी से बड़ी संख्या में आप जोड़ नहीं सकते, अच्छा ये बताइए मान लेते हैं कि 2 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या है, इसमें मिनिमम वैल्यू 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 × 1 = 10 और 9 × 1 = 10, देख रहे हैं छोटी से छोटी संख्या आ जा रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ नहीं सकते इसलिए कि नहीं जोड़ेंगे छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होगा, बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ नहीं सकते, मान लेते हैं बड़ी से बड़ी संख्या 9 × 3 = 9 लिए 999, इसमें मिनिमम वैल्यू भी जुड़ रहा है तो कितना हो जा रहा है 1000, कहने का मतलब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जा रही है, हो चाहिए ना, तो यहाँ से 3 अंकों की छोटी से छोटी 4 अंकों की छोटी से छोटी से छोटी संख्या आ जा रही है, लेकिन आप बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़िएगा तो छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी। अब चलिए नोट नंबर 2, तो बड़ी से बड़ी संख्या में नहीं जोड़ना है तो +2 को काम है पहला जोड़ना दूसरा घटाना, आप बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ नहीं सकते तो घटा सकते हैं ना, आपके पास एक वो क्रॉस हो गया तो एक वो आपके पास बचा हुआ है ना, तो आप डायरेक्ट घटा सकते हैं, लेकिन एक नोट, ठीक है आगे चलते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या में क्या नहीं कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं तो डायरेक्ट घटा दीजिए। अब चलिए कह रहे हैं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी 1, 2, 3, 4, 5 को 9। अब कह रहा है कि 736 से भाग देने पर कह रहे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो इससे पूरा पूरा विभाजित है, तो यहां से भाग देते हैं एक बार में चल जाएगा 700 कितना 36 घटाएंगे 3 हो गया 6 हो गया और कितना बचा यहाँ पे बोलिए 2 आया, यहां से फिर नहीं जाएगा तो 9 उतारे हैं, इसके बाद कितना बार में जाएगा 3 बार में जाएगा 3 बार मिल जाएगी, तो 3 से 3 6 18 की 8 और 33 का 9 1 10 की 0 और 3 7 21 21 22 कितना आया
एक आया फिर तीन और यहाँ से चार और ये कट गया, बचा कितना नौ उतर गया। अब चलिए पांच बार में ले जाइए, पांच बार में ले जाते हैं तो पाँच छक्का तीस की कितना जीरो, अब पाँच तीन पंद्रह, अब पंद्रह तीन अठारह की आठ हासिल एक, अब पाँच सत पैंतीस, अब पैंतीस एक कितना छत्तीस, यहाँ से घटा दीजिए नौ ग्यारह मिले आठ गया कितना तीन और ये बारह मिले छः गया छः, छः कितना हो गया यहाँ से कट गया। कौन सी संख्या डिस्टर्ब कर रही है जो भाग देने में, तो यहाँ से घटा दीजिए इसको, बड़ी से बड़ी संख्या में आप जोड़ नहीं सकते हैं, देखिए जोड़ने के परिस्थिति क्या हो गया, तो जोड़ नहीं सकते हैं तो घटा घटा सकते हैं ना, तो ये संख्या जो है ना इससे भाग कर रहे हैं तो ये डिस्टर्ब कर रहा है, शेष बच रहा है तो डायरेक्ट इस संख्या में से इसको घटा देते हैं, तो यहाँ से घटा देते हैं एक दो तीन चार पाँच, इसको घटाते हैं छः तीन और नौ, यहाँ से घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, छः हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा, ये नौ हो जाएगा, ये नौ कितना निन्यानवे छत्तीस जीरो आ रहा है ऑप्शन, निन्यानवे छत्तीस जीरो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है एक। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं छत्तीस नंबर क्वेश्चन, छत्तीस नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था कि 100 और 1000 के बीच किसी संख्या के अंकों का योग संख्या में घटाया जाता है, घटा दिया जाए तो अंतर सदैव विभाजित होगा, मतलब कह रहे कि 12 से विभाजित होगा कि 9 से विभाजित होगा कि 6 से होगा कि 2 से होगा। चलते हैं एक नियम जानिएगा, कह रहा है क्वेश्चन कि 100 से 1000 के बीच, इसी के बीच कह रहा है कि कौन एक संख्या उठाइए और उठाने के बाद उसका अंक को जोड़िए और उसमें से क्या कर दीजिए घटा दीजिए, घटा दीजिए तो वो अंतर जो होता है ना किसका सदैव किससे विभाजित होगा वही ना। तो यहाँ से चलिए किसी एक को उठाइए, किसी एक को इसके और इसके बीच के संख्या को उठाइए, तो मान लेते हैं कि पहला उठा लिए, एक को उठा लिए कितना 101 ही उठा लिए, मिनिमम वैल्यू उठाइए 101, इस संख्या को जोड़िए, इस संख्या को जोड़िएगा तो एक प्लस जीरो प्लस एक कितना दो, कह रहा था कि एक संख्या को उठाइए इसने इतने के बीच एक संख्या को उठाइए उन संख्या को अंकों का योग जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद इस संख्या में से घटा दीजिए, तो कह रहा कि किससे विभाजित है, तो यहाँ से घटाइए दो ग्यारह में दो गए कितना नौ, ये हो गया नौ कितना हुआ निन्यानवे नौ, अब भाग दीजिए तो किससे विभाजित हो जाएगा, बारह से विभाजित हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से नहीं, नौ से विभाजित हो जाएगा, देखिए ना नौ से ग्यारह नौ निन्यानवे कट जा रहा है, छः से क्या विभाजित हो जाएगा नहीं, दो से विभाजित हो जाएगा नहीं, तो किससे विभाजित होगा किससे नौ से विभाज्य है, किससे विभाज्य है नौ से विभाज्य, केवल नौ से ये विभाजित हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, दूसरा इसी के बीच सब अंक उठाते हैं, मान लेते हैं कि 107 है ठीक है, अब इनके अंकों का योग जोड़िए तो सात है एक आठ, आठ घटा दीजिए सत्रह मिले आठ गया कितना नौ, फिर तो निन्यानवे ही आया, अब किससे विभाजित होगा बारह से हो जाएगा नौ से हो जाएगा छः से हो जाएगा दो से हो जाएगा नहीं, तो यहाँ से अब बताइए कितना से विभाजित होगा नौ से, नौ ये भी विभाजित होगा और नौ से ये भी, कहने का मतलब कि नौ से इसके और इसके बीच अगर जोड़ने के जोड़ेंगे संख्या को और घटाएंगे ना तो नौ से केवल नौ से ही विभाजित होगा, कोई भी संख्या उठा लीजिए यहाँ से 999 उठा लीजिए, यहाँ से 999 अंतिम संख्या उठा लीजिए, नौ नौ दूनी अठारह नौ तीन सत्ताईस, सत्ताईस को यहाँ से घटा दीजिए, अब यहाँ से बताइए कितना घटेगा, यहाँ से दो बचा, यहाँ से कितना बचा सात बचा और यहाँ से कितना बचा नौ बहत्तर बचा, और बताइए कि इस संख्या को बारह से भाग देंगे तो कटेगा क्या, बारह से बारह सते बारह बटे छियानवे कट सकता है, लेकिन नौ से भी कट सकता है बारह से, और बताइए दो नौ सौ निन्यानवे को ना ले दूसरा ले लेते हैं, दूसरा ले लेते कौन यहाँ से ले लेते हैं एक सौ चौदह ठीक है, अब देखिए चार आए पाँच आए छः, छः घटा दें चौदह मिले छः का कितना आठ और यहाँ कितना बचा जीरो बचा और यहाँ एक, यहाँ से काटेंगे नौ तो नौ से कट जाएगा नौ बारनावा अठोल से बारह बार में कट गया, इसका मतलब कि नौ का कभी कभी बारह से भी कट जाएगा कभी अठारह से कभी कट जाएगा कभी दो से, देखिए यह संख्या दो से कट जा रहा है लेकिन ज़्यादातर किससे कटेगा मिनिमम वैल्यू पहले लेकर चलिए, पहले क्या लेकर चल एक से दस ही तक लेकर चला जाता है,
तो एक से दस लेकर चल चल दे तो एक से एक सौ एक लेकर चले तो उसमें क्या हो रहा है, नौ से विभाजित कौन हो रहा है। एक से सात लेकर चले, एक सौ सात लेकर चले तो क्या हो सकता है, नौ से विभाजित हो रहा है। एक सौ पांच से भी चले मतलब मिनिमम वैल्यू उठाकर देखा जाएगा कि किससे विभाजित होता है, नौ से विभाजित हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, नौ, बी नंबर ऑप्शन नौ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन सैंतीस। करेक्ट, तीन क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से क्या है, बत्तीस, तीन सौ बत्तीस अधिक है। ठीक है, कह रहे कि तीन क्रमागत, सैंतीस नंबर क्वेश्चन, तीन क्रमागत संख्या एगो ले लिए के। ठीक है, देखिए पहली संख्या के ले लिए, इसके बाद कौन सी होगी संख्या, तो के प्लस वन। इसके बाद वाली संख्या कौन सा, के प्लस टू। यही ना क्रमागत होता है, एक के बदला एक। तो फर्स्ट संख्या ले लिए के, और दूसरी संख्या के प्लस वन, और तीसरी संख्या के प्लस टू। अब कह रहे कि इनका योग, इनका योग बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या कौन सी है, यही है ना। तो बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या के संख्या से क्या है, अधिक है। ये लोग तीनों लोग अगर जोड़ा जाए तो बीच वाली संख्या से ये लोग अधिक है, कितना अधिक है भाई, तो यहाँ से 332, 332 लोग अधिक है, 332 अधिक है। तो के कितना होगा, 3k। अब बताइए कि यहाँ से 3k तो प्लस कितना, 3, और यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा, के, और ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस कितना हुआ, इक्वल टू कितना, 332। अब यहाँ से घटाएंगे तो कितना, 2k, यहाँ से घटाएंगे तो माइनस 2, इक्वल टू कितना, 300, यहाँ से घटाएंगे तो कितना, 300, बोलिए, यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा ना, यहाँ पे कितना, 332। यहाँ से 2k हुआ इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा तो 300 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो k इक्वल टू कितना, 100 कितना, 65। ठीक है, 165 हो गया। अब चलते हैं आगे, कह रहे को उसमें से सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या यही ना है, यही ना सबसे बड़ी संख्या, तो कितना, 65। अरे भाई 65, 665 और प्लस कितना, तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, इसमें सबसे, इसमें कह रहे बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या ये नहीं ना, बीच वाली संख्या ये, तो कितना, 165 और प्लस 1 इक्वल टू कितना, 166। आपका आंसर कौन सा है, 166। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अड़तीस नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि एक संख्या, अड़तीस नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा था कि एक संख्या किसी अन्य संख्या से 155 अधिक है, फिर कह रहा है कि और उन संख्याओं का योग 547 है, तो कह रहा है बड़ी संख्या क्या है। एक संख्या जो मान लेते हैं के, और इनका अंतर, एक संख्या अन्य संख्या से 155 अधिक है, तो ये फर्स्ट संख्या बड़ा है और y जो है ना छोटा वाली संख्या है सेकंड वाली, तो कह रहे हैं कि कितना अधिक है, 155 अधिक है। तो 155 कौन सा अधिक है, फर्स्ट वाली संख्या, तो कम बेसी का फैसला अंतर करता है तो अधिक हो गया। अब कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं को अगर जोड़ रहे हैं तो k आप प्लस कितना, सेकंड को जोड़ रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है, 547। अब क्वेश्चन कर रहा है ना कि बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या क्या माने हैं, के ही ना माने हैं, तो के को माने हैं तो इसको कटा दीजिए प्लस माइनस को, तो कितना बचा, 2k हो गया। यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 5, 12 की 2, और यहाँ से 5, 4, 9, 1, 10, और 5, 1, 6, 1 कितना, 7। ठीक है, आगे चलेंगे। अब बताइए कि यहाँ से 2 से काटेंगे तो k के वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से 2, 3, 6, 1 बचा, और 2, 5, 10, और 2 से काटेंगे तो 1। तो कह रहा है क्वेश्चन कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन माने हैं, सबसे बड़ी संख्या यही ना, 12 में से छोटा घटाएं तो अंतर हो गया, तो सबसे बड़ी संख्या कितना है, 351। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 39, 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, फिर कह रहा है कि एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुना के बराबर है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या निम्न है। तो दो समीकरण, देखिए समीकरण का ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, 39 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, एक मान लिए के और एक मान लिए वाई, दोनों संख्याओं का योग आपका 22 है। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे बढ़ाकर कह रहा है कि दोनों
पहली संख्या में पचगुना, इसका मतलब पहली संख्या जो है पचगुना है, तो के पहले के था आज कितना, के प्लस फाइव के हो गया। फिर कह रहे दूसरी संख्या छः गुना, दूसरी संख्या कितना छः गुना, तो छः वाई हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का छः गुना के बराबर, ठीक है, दोनों संख्याओं का छः गुना के बराबर है, तो यहाँ बताइए कि फाइव के अनुपात छः के था ना, यही ना था। दोनों संख्याओं का योग देख लीजिए, यहाँ पे 22 दिया हुआ है, और यहाँ से अब बताइए कि 6y था सेकंड संख्या, तो अब यहाँ से k के वैल्यू कितना, 6 और y के वैल्यू कितना 5, तो अब बताइए कि k के वैल्यू कितना 6 और 6 5, तो k अनुपात y इज इक्वल टू कितना, k का वैल्यू 6 है तो 6 यहाँ पे लिखिए, और y का वैल्यू 5 है, तो 6 अब 6 5 कितना 11, 11 में टोटल कितना, टोटल यहाँ से दोनों का आदमी का उम्र जोड़े, दोनों आदमी का वैल्यू जोड़े तो कितना रेशियो में 5:6, और टोटल यहाँ पे दिया हुआ था 22, तो यहाँ से काटेंगे तो एक का वैल्यू कितना, एक का वैल्यू कितना है 2 है। आगे क्वेश्चन कर रहा था कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, तो 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है, तो 6 बड़ा है, तो बड़ी संख्या कौन सी, एक झोरा में 2 आम, तो 6 झोरा में 6 गुनी क्या 12 आम, तो कौन कितना हो गया बड़ी संख्या 12 हो गया। आ यहाँ पे कहता है कि छोटी संख्या, तो 5 गुनी क्या 10 हो जाता। चलिए आगे चलते हैं, अंतिम क्वेश्चन, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा था कि दो संख्याओं का योग 78 है, पहली संख्या के 5 गुने तथा दूसरी संख्या के 3 गुने का योग 318 है, तो दूसरी संख्या क्या है। पहली संख्या हम मान लिए कि और प्लस कौन सा है इनका योग, सेकेंड संख्या उनका को जोड़ रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है 78 प्राप्त हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन करेंगे पाँच गुना, पहली संख्या के 5 गुना तो 5 के कर दिए, और दूसरी संख्या कितना है 3 गुना है, तो 3y कर दिए, इक्वल टू 318 हुआ। अब बताइए कि कह रहा है कि दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए दूसरी संख्या को ना कटाया जाए, पहली संख्या को ही कटाया जाए, तो पहली संख्या अब बताइए कि ऊपर से ऊपर नीचे वाला को ऊपर गुना तो 5 से गुना, और यहाँ पे एक छुपा है तो 1 से गुना। अब वो कराइए, यहाँ से प्लस प्लस दोनों है तो माइनस कर दिए, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, यहाँ से 5 के कट गया, अब बचा का 5 गुना के 5 गुना वाई तो 5 वाई, और 3 वाई तो कितना हो जाएगा 2 वाई हो जाएगा 2 वाई, ठीक है। अब 2 वाई इज इक्वल टू कितना 5 में और 78 से गुना कीजिए, तो 8 पचे कितना 40, और 7 पचे 35, और 35 4 कितना 35 4 39, यही हुआ ना। अब यहाँ से 10 मिले 8 गया कितना 2, और यहाँ से 8 मिले गया कितना 7, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा ये 0 हो गया। अब बताइए कि 72 हुआ, आपके वाई का वैल्यू सेकेंड संख्या कितना आपका 36 हो गया, ठीक है, सेकेंड संख्या ये कितना हो गया 36 हो गया। देखिए तो ऑप्शन आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 3।